एससी एसटी के आरक्षण पर सीजीआई ने दिया कैसा फैसला, कोटे के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी खुशी। आरक्षण को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद से ही हर ओर उनके इस कदम की सराहना होने लगी है। इसके साथ ही एससी एसटी के आरक्षण को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि आरक्षण के अंदर कोटे पर यह फैसला दिया गया है। इस फैसले को देते समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई ने एक खास टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां भी मौजूद हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस ने कहा कि उपवर्गीकरण का आधार यह है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि एससी एसटी आरक्षण के भीतर अब कोटा मान्य हो जाएगा, जिससे सबसे कमजोर व्यक्ति को भी इसका लाभ मिल सकेगा। पारिवारिक काम धंधा करने वाली उपजातियों के लोगों को इसका कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था, ऐसे में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है। 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बहुत ही अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस एस सी शर्मा का नाम शामिल है। याचिकाओं में ईवी चंदैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। 2004 में इस मामले में फैसला सुनाया गया था। सभी अनुसूचित जाति सामुदायिक सजातीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले के अनुसार राज्य एससी और एसटी के कोटा में कोटा बनाकर उपजातियों को आरक्षण देने की शक्ति नहीं रखते थे। 1975 में पंजाब सरकार की ओर से वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोटे के अंदर कोटे का कानून बनाया गया, जिसे हाईकोर्ट की ओर से 2006 में रोक दिया गया और इसके लिए 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया था। एक रिपोर्ट की माने तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में देश में 1263 एससी जातियां थी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप में कोई समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित नहीं किया गया। संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय जाति का वर्णन नहीं किया है कि कौन सी जातियां इसके अंतर्गत आएंगी। यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों को एससी और एसटी कहा जाता है। एक राज्य में एससी के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में एससी नहीं भी हो सकती है। लिहाजा आप देखने वाली बड़ी बात होगी कि इस फैसले के बाद क्या कोई राजनीतिक टिप्पणी भी होती है, क्योंकि भारतीय राजनीति जातिगत चीजों पर ही चलती है। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें।